साथियों, हमारे विरोधियों की सोच में अलग, हम एक स्पष्ट विजन के साथ हम काम कर रहे हैं। कंफ्यूजन नहीं, कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। राष्ट्र के लिए जो भी कड़े और बड़े फैसले आज लेने हैं, उनको कल के लिए टालना आपराधिक लापरवाही है। ये सिर्फ बातें नहीं है, बल्कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। साथियों, आप भी ये मानेंगे कि स्वतंत्रता के बाद हमारे साथ ही आजाद हुए वो छोटे छोटे देश आज कहां से कहां पहुंच गए। उनमें से कई देशों ने विकास की नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। ये ऊंचाई हम भी प्राप्त कर सकते थे, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें सबसे बड़ी बाधा बना सत्ता चलाने वालों का भ्रष्ट आचरण। और भ्रष्टाचार रुपये पैसों तक सीमित नहीं रहा, निर्णय प्रक्रिया में, प्रायोरिटी में, हर जगह पे इसने अपनी जगह दिखाई है। स्वयं हित को देश हित से ऊपर रखा गया। इसी का नतीजा था कि देश में भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा देने वाली ताकतों को, कमजोरियों को खत्म करने की उस तरह की कोशिश नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। आप लोग ही हेडलाइन चलाया करते थे, ये घोटाला हुआ, वो घोटाला हुआ, देश के इतने हजार करोड़, इतने लाख करोड़ का नुकसान हुआ। साथियों, क्या जो तब सरकार में थे उनकी ये जिम्मेदारी नहीं थी कि देश के सिस्टम में ऐसे बदलाव किए जाएं, उसे फुल प्रूफ किया जाए, जिससे भविष्य में वैसे ही घोटाले की गुंजाइश न रहे। एक काम किया गया होता अगर नीयत ठीक होती, जिसकी नीयत देश के टैक्सपेयर के पैसे पर डोल रही हो, जो सिर्फ अपनी नहीं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इंतजाम करना चाहता हो, वो ईमानदार व्यवस्था का निर्माण कभी नहीं कर सकता।